जी भी पुट आउट एन ओपिनियन पोल। वेलकम टू अनदर इलेक्शन शो। आज हम गुजरात यूनिवर्सिटी में हैं। दिस यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन 1949 एंड स्टॉलवर्ट्स ऑफ आवर फ्रीडम मूवमेंट लाइक महात्मा गांधी, सरदार पटेल हैड रिकमेंडेड कि गुजरात में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। इफ यू गो ऑन द गुजरात यूनिवर्सिटी वेब पेज, होम पेज, तो उनके बहुत प्रेस्टिजियस एलुमनाई हैं, इंक्लूडिंग आवर प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर। एंड वी हैव अ बंच ऑफ स्टूडेंट्स हियर दैट वी आर गोना टॉक टू अबाउट देयर इशूज। हर इलेक्शन शो में हम डिफरेंट कॉलेजेस जाते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जाते हैं जानने के लिए कि यूथ क्या सोचती है, यूथ के इशूज क्या हैं। हर स्टेट की तरह गुजरात में भी पेपर लीक एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, बहुत न्यूज़ में भी आया है। पिछले सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से दो बार पेपर लीक के इंस्टेंसेज आए हैं जिसमें अरेस्ट भी हुए हैं, कार्रवाई भी हुई है, बट स्टिल इट्स अ ह्यूज इशू। लास्ट इनफैक्ट पेपर लीक जो हुआ था वो हेड क्लर्क की पोजिशन के जो एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स, उसके लिए हुआ था। और न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स आई थी कि प्राइसेस ऑफ लीक पेपर वेंट अप टू एज मच एज 15 लाख। सो इट्स अ ह्यूज इशू स्पेशली इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट। सो वी आर गोना जस्ट डू अ क्विक इंट्रोडक्शन विद ऑल आवर स्टूडेंट्स हियर। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट देम इज दैट अ लॉट ऑफ देम, थ्री ऑफ देम आई स्पोक टू, वर बॉर्न इन 2002 और आफ्टर 2002, एंड अ फ्यू हियर वर बॉर्न इन द 2000s। सो दे हैव बेसिकली सीन अ बीजेपी गवर्नमेंट सिंस दे वर बॉर्न। So let's just get an introduction from them. आपका नाम बताइए मुझे, सब बोल सके, और फिर आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स। देवम शेख फ्रॉम दरियापुर। जानवी शाह फ्रॉम अहमदाबाद। महेश कुमार भट्ट फ्रॉम तालालाल। नाउ आई एम लिविंग इन अहमदाबाद। अपूर्व अमीन असारवा फ्रॉम अहमदाबाद। मीत पुरोहित गाठोड़िया कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम अहमदाबाद। प्रवीण रावलिया भाड़ौर देवभूमि द्वारका। थिंग शुड बी शॉर्टेड आउट इज द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द एजुकेशन। दिस इज द बिग इशू राइट नाउ, बिकॉज जो भी लोग हैं वो सब लोग को इतनी हाई फीस पे करना वो उनको नहीं होगा। सो इसलिए पहले के जो टीचिंग इंस्टीट्यूट थे वो इतनी फीस हाई नहीं होती थी जितना अब हाई होगा। मतलब कोई भी आप प्रोफेशनल कोर्सेज देख लो, डॉक्टर की डिग्री अगर आपको लेनी है तो आपको आपके पहले अगर आपके पास 10-15 लाख हुए देन आपके आपको वो प्रोफेशनल डॉक्टर आप बन सकते हो। सो ऐसे हर इफ वी टॉक अबाउट एनी प्रेस्टिजियस कॉलेज देन द फीस आर वेरी हाई, सो एनी नॉर्मल पर्सन कुड नॉट अफोर्ड टू पे। So that is the big issue, and of another then 2-3 more issues like recently happened the paper leak and the fake leaker, and that all things matter a lot. What are you studying? MBA. Okay, so आपने सबसे पहले कहा कि विकास is a big issue. Development. और आप लोग जो आपकी जनरेशन है उसमें बीजेपी का ही गवर्नमेंट रूल लेता है स्टेट, और बीजेपी का सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट गुजरात की है कि यहाँ पे हमने डेवलपमेंट करे, विकास करे। तो एज अ पर्सन बॉर्न on in 2002 and seen BJP government, what do you think of this pitch? Actually this is correct that development has taken place. I was born in 2002 during the Godhra incident, and I have never seen curfew in my life except Patidar Andolan in 2015. I have never seen curfew. While my father was used to say that before 1995 when the BJP did not come in the power, there were the curfews in the street of Gujarat, and there were lots of anti-social elements were there, and like in Dariyapur Roostri there was like, if you see Rais, there was a Shahrukh Khan's character is like Latif was a murderer and kind of that person, and he was killed by and encountered by the government. So law and order is the big win-win situation for the BJP government. And the main core issues are like, okay, we don't have any issue like roti, kapda and makan. We have 24-hour electricity. We have good lifestyle. But main issues are like that, the privatization of the education and these paper leaks and all these things. Like you have Mr. Narendra Modi.
कब तक आप उनके नाम पे जीते रहोगे? अगर आपको खुद को अपना तो कुछ करना पड़ेगा, दैट इज द मेन इशू। आपके एमएलएस होते हैं, अगर वो क्या कर देते हैं एमएलएस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, तो उनको चेंज कर देता है। सो फिर अगेन बीजेपी आ जाती है। 27 years, लाइक 31 years ज्योति बसु और उनकी लेफ्ट सरकार को हुए थे वेस्ट बंगाल में। सो अगर इस बार बीजेपी जीतती है तो वो सबसे लॉन्गेस्ट हो जाएगा, उनका रिकॉर्ड वो तोड़ देगा। लेकिन अपना क्या, कब तक आप मोदी के नाम पे जीते रहोगे, दैट इज द मेन इशू। Your issues, main issues in your mind as a voter. Are you a first time voter or second time? Second time. So I would like to talk about the change in the education style. Basically, my friend talked about the privatization and all that stuff. I would like to say that government, this institute is not changing the, you know, the method of teaching. And the few days before, like I was sitting in the lecture, they are completely teaching the outdated courses, which is not like irrelevant, extremely irrelevant. And for like, if you are going outside for the corporate job, they're asking for like ability, skills. But what if they have not taught us? So I want change in the method of teaching. And if institution is not doing something, the government should make such laws and whatever they can do. So skilling. My appeal skilling is your biggest. Yes, skilling. And of course, so many people, like youngsters like us, like many friends are there. They are moving to abroad just because of this issue, right? They are leaving the city. I mean, Ahmedabad, I like, it's best for the job, and I would say, but yes, as I said, I want this kind of change. मैं second time vote करने वाला हूँ। हमारे गांव में, मैं गांव से belong करता हूँ। हमारे गांव में इस चीज़ है कि किसान को एपीएमसी जो जाते हैं, उसको प्राइस नहीं मिलती। ये मूंगफली उगाते हैं, कपास, गेहूँ, सब उगाते हैं, उसकी प्राइस पोषक तत्व भाव नहीं मिलते, और ये रासायनिक खातर है उसकी कमी पड़ जाती है, ऐसा सब होता है। और इश्यू की आप बात कर रहे हो तो हमारे गुजरात में ग्राम पंचायत के इलेक्शन से लेके विधानसभा इलेक्शन तक सभी, जब इलेक्शन आता है तभी सब इश्यू सामने आते हैं। बाकी टाइम कोई सरकार, कोई पार्टी का मुख्य चेहरा कोई गांवों में, कोई तालुके, जिले कहाँ की मुलाकात नहीं लेते। तो गांव की आपने बात कही, आप अपने एज अ स्टूडेंट, यूथ, युवा हैं आप, तो उसके नजरिए से आपको क्या प्रायोरिटी, आपको क्या उम्मीद है सरकार से, जो नई सरकार आप लोग चुनने जा रहे हैं, क्या मांग करेंगे वो युवाओं के लिए क्या करे, स्टूडेंट्स के लिए क्या करे, यूनिवर्सिटी के लिए क्या करे? जो सब एक बात है कि हम यहाँ सब बैठे हैं, सब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं। हमारे देश और गुजरात में बेरोजगारी एक मेन फैक्टर कह सकते हैं। तो जो भी सरकार हम चुनेंगे, वो सरकार से हमारी एक ही आस रहेगी कि हमको बेरोजगार से थोड़ी रोजगारी की ओर ले जाए, और हमारे सभी दूसरे भी इश्यू से कि शिक्षण में थोड़ा सा चेंज लाए तो सभी को बेहतर प्रायोरिटी मिले। बेरोजगारी के आंकड़े में देखा जाए तो गुजरात का आंकड़ा बाकी देश के मुकाबले ठीक है, 2.14 है, और देश का करीब 10 के आसपास है, 10% का। तो उस लिहाज से गुजरात में उतनी बड़ी प्रॉब्लम बेरोजगारी नहीं है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में, मेरे विधानसभा में गुजरात को 2 मुख्यमंत्री दिए हैं, और उन्होंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में काम बहुत अच्छा किया, पर मेरे घर से यूनिवर्सिटी तक आने का जो रास्ता है वो बहुत ही घटिया है। इवन दो मेरी कॉलेज का बाहर का जो रोड है वो आई गेस पिछले 6 महीने से मैं कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया हुआ है, और पिछले 1.5 साल से मैं अहमदाबाद में रह रहा हूँ, पर रास्ता वैसा का वैसा है। बैरिकेड 24 घंटे उधर रहते हैं, 365 दिन उधर बैरिकेड होता है, कुछ ना कुछ काम का चलता रहता है, तो उसकी वजह से काफी सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। और दूसरी बात, जो गवर्नमेंट के जो पशु होते हैं जो सड़क पर ऐसे घूमते हैं, रखटे डोर बोलते हैं जिसको, उसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया था, हाईकोर्ट ने उनको चुकादा दिया था, हाईकोर्ट ने उनको सुनवाई की थी, बट स्टिल उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो उसकी वजह से भी मेरे काफी सारे मित्र हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है। और दूसरी बात, सबसे महत्व की बात यह है कि गुजरात में नशाबंदी है, जब पूरे भारत में जब ड्रग्स का बैन है, तो गुजरात के अदाणी पोर्ट से 2200 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया, उसकी चर्चा 2 महीने तक हुई, 3रे महीने से वो चर्चा गायब हो गया। क्यों? अगर वो चर्चा होनी चाहिए, वो सबसे मेन फैक्टर है। पूरे गुजरात में नशाबंदी है, पूरे भारत देश के अंदर ड्रग्स की बैन है, तो फिर 2200 करोड़ रुपए का ड्रग्स आया कहाँ? हर दिन आप सुबह उठ के देखो तो आपको एक नया ड्रग्स पकड़ने जाता है, हर दिन सुबह आपको मिलता है कि भाई, यस, बहुत ही बड़ा इश्यू है। सबसे बड़ी बात ये है कि
बड़ा इश्यू अभी लग रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट गुजरात में बेरोजगारी मुद्दा है। कहीं ही आंकड़ों में ना देखा जाए गुजरात की पॉपुलेशन कम है, लेकिन यहाँ पर पिछले 3 सालों में हम युवा आंदोलनों की बात करें तो बेरोजगारी के सचिवालय का जो पेपर हुआ था लीक, उसकी वजह से लाखों बच्चे गांधीनगर के सड़कों पर आ गए। उसके बाद भी जितनी भी पुलिस कॉन्स्टेबल की भर्तियाँ हैं, वो सचिव की छोटी मोटी जो पंचायत की भर्तियाँ हैं, उन सबके पेपर तो लीक हुए हैं। वो टीचर टीचिंग फील्ड में हो या और सब भी फील्ड में, मतलब एक भी एग्जाम ऐसा नहीं है कि जिसे गुजरात सरकार ने अब तक फुल वो सफल तरीके अच्छे से कर पाए पेपर लीक। और दूसरा मुद्दा है ड्रग्स, जो कि अभी तो उन्होंने बात की 2200 करोड़ का ड्रग्स अभी पकड़ा गया है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं। हमारे जो नेता हैं विपक्ष के, उन्होंने विधानसभा में बहुत जोरों से उसकी बात रखी है, लेकिन इस पर कोई मीडिया कुछ भी कवर नहीं कर रहा है। और तो और भी महंगाई है वो सब है, लेकिन वो मतलब क्यों दस हर इलेक्शन में रहते हैं। इस बार का ड्रग्स में बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो मतलब अपडेटेड नहीं है सिलेबस, वो हमारा बहुत 5-10 साल पुराना सिलेबस है, तो हमें बुक्स भी पुरानी वाली और प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहा है आजकल, तो उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और ऑर्गेनाइज्ड वुमेन जो मतलब होता है रेप वगैरह, उसके अगेंस्ट भी गवर्नमेंट को पूरी तरह से देखना चाहिए। क्राइम वैसे कहते हैं गुजरात बहुत सेफ है वुमेन के लिए, तो अगर यंग वुमन यू फील कि इट्स अ सेफ स्टेट फॉर यू, यस समटाइम्स जो जो क्राइम होते हैं उसमें सकते हैं। तो आई थिंक वन थिंग दैट ऑल स्टूडेंट्स वांट्स इज कि एजुकेशन में ध्यान हो और अप टू डेट हो और स्किलिंग हो प्रैक्टिकल, सो एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज टू वर्क हार्ड। यू वांटेड टू से समथिंग एक्चुअली जब इफ यू टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट, गुजरात हैज ऑलवेज बीन एन एम्प्लॉयर स्टेट। इफ यू गो टू डायमंड मार्केट, लॉट्स ऑफ पीपल कम फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड बिहार, एंड जब वो वैकेशन होता है तब वो उनके गाँव फिर जाते हैं। मेरी भी एक शॉप है, मेरी जो दुल्हा कलेक्शन की मेरी शॉप है, सो उसके जो कारीगर होते हैं वो भी यूपी बिहार से आते हैं। सो गुजरात हैज ऑलवेज बीन एम्प्लॉयर स्टेट। एंड इफ यू टॉक अबाउट द पॉलिटिशियंस, हर बार 2017 में 2012 एक ही आंसर, 50 लाख युवा बेरोजगार, 50 लाख, 2022 में 50 लाख युवा बेरोजगार, तो भाई उस जॉब ही नहीं मिली किसी को। एंड इफ यू आर स्किल्ड इनफ, इफ यू हैव द पोटेंशियल, यू विल हैव जॉब। इवन हमारे कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट होता है, सो पोटेंशियल को जॉब तो मिलती है। अगर और एक और दूसरी बात यहाँ पे होती है ड्रग्स की, तो ड्रग्स को पकड़ रहे भाई, ड्रग्स को पकड़ना बेहतर है या नहीं, दैट इज द मेन इश्यू। एंड जहाँ तक कार्यवाही की बात होती है, तो ड्रग्स भेजना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन ड्रग्स को पकड़ तो सकते हैं। सो गुजरात पुलिस ने अपनी जान को दांव पे लगा के ड्रग्स को पकड़ा है। हाँ, अगर आपको एक पर्सन से प्रॉब्लम है, अगर वो ड्रग्स पकड़ा कहाँ जा रहा है वो प्रॉब्लम है, तो दैट इज योर इश्यू। मुंद्रा पोर्ट है, उसका नाम अदानी पोर्ट है, तो अगर आपको अदानी से प्रॉब्लम है दैट इज योर इश्यू। तो ये यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट ये है कि अब मतलब यहाँ पे दो स्टूडेंट की अलग अलग राय ड्रग्स को लेके आई, तो आप सारे लोग यहाँ पर यूथ ही हैं और इतने बड़े पैमाने पर आपको लगता है कि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है क्योंकि पकड़ा जा रहा है, इनका कहना है कि ड्रग एक बड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली लेट मी टेल यू सर, कोरोना के टाइम पे जो पुलिस की पहले बहुत थी, लेकिन जो बढ़ी है कोरोना के बाद बहुत ज्यादा। यहाँ पर मुझे बताइए कैंपस में क्या ऐसा लगता है यूथ के तौर पर कि ड्रग एक बड़ी समस्या है? एक तो है कि आ रही है, पकड़ी जा रही है ड्रग, और दूसरा है कंजम्पशन, वो दिखता है आप लोगों को युवाओं में, इसका कोई असर है? सर सबसे बड़ी बात कि हम लोग अभी बैठे हैं गुजरात यूनिवर्सिटी के कैंपस में, ठीक है, मैं कोई जगह का नाम नहीं लूंगा, मैं आपको कैंपस की बात करता हूँ। कैंपस में अगर आज शाम को आप आते हो 7 बजे के बाद तो आपको कुछ नहीं दिखता, पर अगर वही जगह पे आप कल सुबह 8 या 9 बजे के बाद आते हो, मतलब सूर्योदय होने के बाद आते हो, तो आपको वहाँ पे दारू की खाली बोतलें मिलती है, ठीक है, आपको वहाँ पे दारू की खाली बोतलें मिलती है, चटनी के पैकेट्स मिलते हैं, ग्लास मिलते हैं, यूज ग्लासेस मिलते हैं। वाई वाई गुजरात में तो दारू बंदी है, तो दारू आया कहाँ से, और वो भी गांधी के गुजरात में यूनिवर्सिटी के कैंपस में कहाँ से आया भाई? मैं मानता हूँ कि पुलिस ने अच्छा काम किया है, आई अग्री, मैं पुलिस को ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को भी गाली नहीं दे रहा हूँ, पर मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि जब दारू बंदी है, जब आपको मालूम है कि ठेके कहाँ पे है, कौन कौन बूट लेकर दारू बेच रहा है, तो आप उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते? गुजरात में पिछले कुछ सालों में काफी यूथ लीडर्स हो गए हैं, जिग्नेश मेवाणी तो आप ही के यूनिवर्सिटी के हैं, इसी के गुजरात यूनिवर्सिटी के, तो
आप लोगों को कौन सा यूथ लीडर पसंद है और क्यों? या नहीं पसंद है तो ये भी पसंद नहीं है, कोई नहीं, कोई भी यूथ लीडर पसंद नहीं है। यूथ लीडर में ऐसा नहीं, कोई भी एक एक आंदोलन से सब निकले हैं। हार्दिक जी ले लीजिए, जिग्नेश जी ले लीजिए, सब कोई भी कोई ना कोई आंदोलन से या कोई आंदोलन से, फिर वो राजकारण में एंटर होते हैं, फिर वो शुरू हो जाता है पक्ष पलटा। तो पहले हार्दिक जी कांग्रेस में थे, तब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अभी भाजप में आए, फिर बड़ी बड़ी बातें हो रही है, छोटी बात कोई नहीं कर रहा, हमको क्या सुनना है, बड़ी बड़ी बातें सुन रहा है, इसलिए आपको कोई प्रॉमिसिंग नहीं लगता यूथ लीडर में से? नहीं। मैम मेरे को जिग्नेश मेवाणी एज अ यूथ लीडर पसंद है, क्योंकि उस इंसान ने कास्टलिज्म फैक्टर के ऊपर काम किया और वो उसके ऊपर लड़ा और वो उसके बेसिस से जीता है और वो उसने जीतने के बाद अपना काम किया है, ठीक है। पर रही बात एज अ यूथ लीडर, तो वो जब यूथ लीडर था तब उसने बहुत अच्छा काम किया, बट एज अ एक बार वो MLA बन गया उसके बाद उसने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली, तो मैं ये नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ उनका नाम नहीं दे रहा, पर हर कोई जो यूथ लीडर जो आगे चल के पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन हुआ है, जैसे युवराज सिंह की बात कर ले तो वह पहले एक यूथ लीडर थे, उसके बाद आम आदमी पार्टी में गए। हार्दिक पटेल की बात करते हैं, उसकी तो क्या ही बात करें, वो पूरा गुजरात और पूरा पाटीदार समाज जानता है, ठीक है, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। और रही बात जिग्नेश की, तो जिग्नेश ने जो पहले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तरीके से काम किया था और उसके बाद कांग्रेस में गया, तो आई होप कि इस बार शायद वो वापस से जीत सकते हैं। अनंत पटेल, अनंत पटेल फ्रॉम वो आदिवासी इलाके से हैं और उन्होंने बीच में ही आदिवासी आंदोलन किया है गांधीनगर में, बहुत ज्यादा पॉपुलर चेहरा है और काम भी एथिकल भी स्ट्रॉन्ग है और अपने ह्यूमन राइट्स पे बात कर रहे हैं लड़कों की। और दूसरी बात है जिग्नेश, तो जिग्नेश तो है ही, वो आशा वर्कर की बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट चेहरों की बात कर रहे हैं, पुलिस के कर्मियों की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, सब जो किसानों की बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि जिग्नेश और अनंत पटेल दोनों में वो क्षमता है। जिग्नेश इज विनिंग। आपका फेवरेट यूथ लीडर? नो वन, बिकॉज़ नो वन, सो यू वोट आर सेम। क्रेडिबल। अच्छा, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन है यहाँ? yes, पर चुनाव होते हैं। yes. कौन है इस समय प्रेसिडेंट? आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पर? एक्चुअली सर, दिस GU इज नॉट लाइक JNU एंड DU, सो इसमें इतना भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा नहीं है। यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल एटमोस्फियर नहीं है सर, यूनिवर्सिटी पे गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, स्टेट का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, इसलिए जो विपक्षी विद्यार्थी संगठन है उनको इतना स्पेस नहीं मिल पा रहा, ठीक है। JNU की बात और यूनिवर्सिटी की बात में यही फर्क है कि वहां पर हमको बोलने का मौका मिल रहा है, हमको वहां पर डेमोक्रेटिक ऐसा एटमोस्फियर मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ बहुत डर का माहौल है। आप अभी यहाँ देख लें, कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्या है कुछ है, कोई भी बोलने को तैयार नहीं, तो ये कहाँ से नॉन पॉलिटिकल ए पॉलिटिकल हो गया, कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पर स्टेट इतना डरा रहा है बच्चों को, कोई बोलने, प्रोफेसर की बात नहीं, NSU यहाँ एक्टिव है बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी में, और वो भी इसलिए कि यूनिवर्सिटी में जो बच्चे आ रहे हैं वो गरीब तबके से आते हैं, पिछले तबके से आते हैं, तो वहां पर उनको होम में ही ऐसा एटमोस्फियर मिल रहा है कि कांग्रेस से, और कांग्रेस तो NSU डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए वहाँ NSU यहाँ एक्टिव है। तो आप कहते हैं कि स्ट्रक्चर यहाँ कुछ अलग है, या स्ट्रक्चर क्या है? प्रेसिडेंट नहीं आते यहाँ, 22 जो है वो सेनेट मेंबर है। अच्छा। और 14 है जो वेलफेयर, स्टूडेंट ही सिलेक्ट करते हैं? स्टूडेंट ही सिलेक्ट है, 200 कॉलेज इलेक्शन करती है, हर एक कॉलेज में से जो टॉपर रहते हैं FY, SY, TY के, वो इलेक्शन वो पार्टिसिपेट करते हैं उनमें और वो वोट करते हैं। और NSU और ABBP सब हर जगह पे, BA डिपार्टमेंट है, MA है, वहाँ पर एक एक उम्मीदवार खड़ा रखती है, ऐसा करके सब सारे कोर्सेज के एक एक कैंडिडेट सिलेक्ट होके रिप्रेजेंट करता है हमारा ये सेनेट हॉल में यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो एक चीज एज यंग स्टूडेंट्स में पूछना चाहूंगी, गुजरात अभी बहुत न्यूज में था जब ये गरबा फेस्टिवल का टाइम शुरू हुआ, तो खेड़ा में एक इंसिडेंट आया जहाँ पे स्टोन पेंटिंग हुई, फिर कहीं कहीं से आया लिखा कि मुस्लिम इज नॉट अलाउड। तो एज यंग पीपल, और आप लोग सब लगभग करते हो, आप लोगों को इस पॉलिटिक्स के बारे में क्या लगता है, क्या एग्जैजरेशन है जो हम सुनते हैं दिल्ली में, या सच में वाकई में इतना डिविजन है गुजराती सोसाइटी में अकॉर्डिंग टू यू, या आपको ये भी लगता है कि रोका जाना चाहिए, मुस्लिमों को नहीं आना चाहिए गरबा में? एक्चुअली इंसिडेंट हुए थे, तो नहीं आना चाहिए ऐसा तो नहीं होता है, आना चाहिए, सबको आना चाहिए, गरबा एक माता जी का वो होता है,
लेकिन कुछ लोग बेस बदल कर आए थे तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम हुआ था। सो पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में मैं नहीं बोलता, आना चाहिए, जनरलाइज इज लाइक आना चाहिए, सबको आना चाहिए, इवन एनी कम्युनिटी। लेकिन मेरी उस बात पे कंप्लेन है, ये लोग अपीजमेंट करते हैं माइनॉरिटी माइनॉरिटी माइनॉरिटी। आई बिलोंग टू जैन कम्युनिटी, आई एम द माइक्रो माइनॉरिटी, बट वाई आर दे कंसर्न अबाउट द बिगेस्ट मेजोरिटी इन माइनॉरिटी? आई एम जस्ट दैट कंसर्न अबाउट। तो 2002 हुआ, उसके बाद से चला आ रहा है माइनॉरिटी 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 में उसको एक ही धर्म दिखता है, बाकी कोई पारसी आप देख लो, माइक्रो माइनॉरिटी पर्शिया से वो लोग हुए थे, ईरान ईरान से बाद तो भारत ने एक्सेप्ट किया, भारत में भी गुजरात ने एक्सेप्ट। दैट्स मेबी बिकॉज़ बीजेपी को सिर्फ एक माइनॉरिटी दिखता है ना। नो, बीजेपी के लीडर एक ही माइनॉरिटी के बारे में बात करते हैं। नो, इफ यू टॉक अबाउट पार्टी के बारे में बात नहीं, डीएनके के बारे में नहीं, नहीं, वो उनको काउंटर करना पड़ता है। इफ यू टॉक अबाउट जगदीश सच्चर कमेटी, उन लोगों ने मुस्लिमों की बात करते कि उनका भी विकास नहीं किया है कुछ। आजादी से अब देखो उनका भी लाइफ स्टाइल अभी वैसे का वैसा ही है, उनका भी कुछ उठा नहीं। बट एज अ यंग पर्सन व्हेन यू सी दिस न्यूज, तो आपको नहीं लगता कि यूथ क्यों हिंदू मुस्लिम में फंसे? आप लोगों को इस पॉलिटिक्स से तो दूर, हिंदू मुस्लिम से फंसना नहीं है, लेकिन अगर आप अपीजमेंट करोगे रिप्लाई तो आएगा। दैट इज, अगर अब बात करें महाराष्ट्र की, उन लोगों का शिवसेना के साथ गठबंधन है, तो कोई प्रैक्टिकल आइडियोलॉजी नहीं। तो मैं प्रैक्टिकल ये तो एक बहुत ही डेविएशन हो जाएगा इशू से, क्योंकि अगर थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने लेफ्ट के साथ मिलके बीपी सिंह की सरकार चलाई, तो वो सब चलता है। कश्मीर का डेवलपमेंट है, लेकिन जब सीज फायर का वो आया तो उन्होंने बीजेपी ने सपोर्ट वापस। हमारे साथ एक नए स्टूडेंट जुड़े हैं, इनसे भी बात कर सकते हैं स्टूडेंट के यहाँ यूनिवर्सिटी के इश्यूज पे। आप अपना नाम बताएं और अपनी कंस्टिट्यूएंसी बताएं। फिर मेरा नाम जयराज है और मैं बटवा विधानसभा से। अच्छा, वहाँ पे बीजेपी का वो कर रहा है, लेकिन क्या है कि काम नहीं करे तो भी बीजेपी वहाँ आए, आप कोई काम ना करो फिर भी बीजेपी वहाँ आएगी क्यों? अच्छा, आप एक एक सवाल आप सब लोगों से मैं यहीं पे रखना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। अगर सारे आप लोग उस टाइम उस जनरेशन के लोग हैं जिन्होंने ज़्यादातर पूरे टाइम लाइफ अपने बीजेपी का ही शासन देखा है, आपने दूसरा कोई शासन नहीं देखा, फिर भी आप लोगों को क्यों लगता है कि, जैसे आपका ओपिनियन मैं सुन रहा था तो आप कह रहे थे कि बहुत बढ़िया था ये, आप लोगों को दूसरे किसी सरकार का एक्सपीरियंस ही नहीं है, तब कैसे आप तय करते हैं कि नहीं यही अच्छा है दूसरा कोई? आपने कभी बदलाव के लिए सोचा भी? आप लगता है कि बदलाव होना चाहिए, डेमोक्रेसी के लिए कितना जरूरी है कि चेंज होते रहें? जी बिल्कुल, मेरा मानना है कि ये जो सरकार है, जो अभी वो बिल्किस बानो वाला जो हुआ, जो आरोपी जो थे उनको छोड़ दिया उन लोगों ने, और उनके सपोर्ट में जो बोलते हैं सीके राहुल जी, उनको उन्होंने टिकट दिया है, तो किस विकास की बात कर। गुजरात में ड्रग्स का भी ज्यादा बढ़ रहा है, ड्रग्स का ज्यादा बढ़ रहा है, उसके साथ नशाखोरी सब बढ़ रही है, और उसके साथ गुना भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो और जहां से पकड़ा था वो अदानी का बंदर, वो पॉट, तो उनका कोई एक्शन नहीं लिया गया है, तो वो भी देखने की बारे तो हम किस विकास के लिए बात करते हैं। तो आप लोग चेंज चाहोगे? बाकी इनकी इनसे भी पूछते हैं, ये सबसे कम बोल रही हैं। बदलाव होना चाहिए, दूसरी गवर्नमेंट आपको देखने को मिले। अगर एक नए गवर्नमेंट रही सालों साल तो उसको भी ऐसा ही लगेगा कि हम कैसा भी करेंगे आएगी तो हम ही, तो कहीं कहीं टाइम पर बदलाव होना चाहिए कि गवर्नमेंट को भी मोटिवेट मिले कि हमें नहीं सच में करेंगे तो ही हम आएंगे। हमको थोड़ा डर लग रहा था कि काम नहीं किया तो हम वोट आउट हो गए, निकाल देगी जनता, बहुत रिलैक्स हो गया मामला। मुझे ऐसा लग रहा है जो आपने बात की कि जो अदानी पॉट पे पकड़ा गया वो सिर्फ पकड़ा गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो कार्रवाई की गई तो मीडिया कवरेज नहीं कर रहा। दूसरी बात है कि 3 महीने पहले की हम बात करें तो बोटाद का एक जिला, बोटाद जिला है तो गुजरात में, वहां पर दारू पीने से लट्ठा कांड हो गया था और बहुत सारे 150 लोग मर गए। हूज ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं, जहरीली शराब और भी ज्यादा इंसिडेंट है यहाँ पर, हम उस पर कोई बात नहीं कर रहा, कोई भी बात नहीं कर रहा, और आप बोल रहे हैं कि ये कोई ड्रग्स नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो तो न्यूज़ पे, लेकिन आप एज अ यंग पर्सन दूसरी गवर्नमेंट देखना चाहते हो या आप? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं, हम तो दूसरी गवर्नमेंट ही चाह रहे हैं और अभी बदला हो, इसलिए हम ऐसे देख सकते हैं कि कुछ है वो भी है गुजरात में, कि जो देश को लग रहा है कि इन लोगों ने देश को ऐसी ऐसी प्रोडक्ट दी है, तो हम तो ऐसे ही सोचते हैं कि हमने बहुत ज्यादा
अपने ये प्रधानमंत्री है और भी बहुत ज्यादा ऐसा नेता दिए जो सबको डरा रहे, तो गुजरात को एक लग रहा है कि ये ऐसे ही लोग दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर बोलने वाले लोग भी है और इंटेलेक्चुअल्स भी है जो बात कर रहे हैं, जो लिटरल और जो माइनॉरिटी के सपोर्ट में भी है और थोड़े ह्यूमन इंटरेस्ट में भी। चेंज, मैं एक ऐसी पार्टी चाहूंगा, किसी भी पार्टियों पर मैं ऐसी पार्टी चाहता हूँ कि जो गुजरात में जो सारे फैक्टर्स अभी हमने डिस्कस किए उसके ऊपर वो काम करे, ठीक है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो आम आदमी हो, या फिर वो कांग्रेस हो, या फिर कोई और पार्टी हो, ठीक है। मैं यही चाहूंगा कि पार्टी कोई भी रहे वो सिर्फ काम करे, ठीक है, तो मैं इतना चेंज चाहूंगा। आपने भी बीजेपी देखा है? हाँ, शुरू से बीजेपी देखा है। ये बात क्या है, आप हम राजकारण की बात करते हैं कोई भी पार्टी हो, पर हमारे जो विकास के काम है और जो एजुकेशन है, खेती है, सब सभी डिपार्टमेंट है उसका काम कर रहा है, कोई भी सरकार हो हमको उससे लेन देन नहीं, काम। अच्छा, लेकिन आपके मम्मी पापा लोग खुश हैं बीजेपी से? जनरेशन का डिफरेंस है कि आपके जो बड़े बूढ़े हैं वो खुश हैं ज्यादातर बीजेपी से, और जो यंग है उनको लगता थोड़ा चेंज होना चाहिए? ज्यादातर हम गांव से बिलोंग करता हूँ, इसलिए ज्यादातर हमारा क्या होता है पूरे दिन हम काम में लगे रहते हैं और फिर शाम को जब हम भोजन ग्रहण करने बैठते हैं तब हमारे सामने न्यूज चलती है, तो देखते देखते हम खाते खाते एक डिबेट टाइप होता है और उसमें एक दो परसेंट अपने पक्ष रखते हैं और ये कहते हैं बीजेपी कांग्रेस, उसमें कुछ पता नहीं चलता कौन किसके, और मतदान हमारे में से होता है, कोई उसको जिसको जिसने मतदान इज ए गुड, कोई जिसको जिसने मत देना है वो लेके आएगा बिना पूछे और बिना बताए। ये सपोर्टर है जो कि बीजेपी को काफी, इनसे बदलाव के बारे में पूछते हैं, ये बदलाव चाहते हैं कि आपने भी सिर्फ बीजेपी देखा, चलो यू लाइक द वर्क, क्या मैं समझ आ गया आपको पसंद है, लेकिन फिर भी कभी एज अ यंग पर्सन यू मे थिंक दैट थोड़ा चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए, लेकिन तीन फैक्टर है, देयर इज नो अल्टरनेटिव, कौन आएगा ये नहीं तो, दैट इज द बिग फैक्टर आई थिंक सो, बट बिकॉज इस गवर्नमेंट में बीजेपी की करंट गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, एंटी इनकम्बेंसी तो विजय रूपानी को उन्होंने चेंज कर दिया, भूपेंद्र पटेल को है, बाहर के लोगों को अगर यूपीएससी के क्वेश्चन में भी आ जाए गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है तो लोगों को पता नहीं, नहीं पता होता, उनकी कोई पर्सनालिटी नहीं है पहली बात से, वो तो ये अच्छी बात है कि गड़बड़ है, गड़बड़ है, इट इज लाइक अ रिमोट कंट्रोल गवर्नमेंट, दैट आई फील दैट शुड बी चेंज, प्रोएक्टिव पर्सन शुड बी अ सीएम, एंड आई थिंक दैट इज अ फैक्टर ऑफ नरेंद्र मोदी, एवरी टाइम इफ यू प्रोजेक्ट दैट पर्सन एंड गेट्स वोट it doesn't work for it is not good for larger perspective, वो आपको बहुत देर तक काम नहीं आएगा, कुछ टाइम तक आप शॉर्ट गेन कर सकोगे, लेकिन क्या फायदा? You are interesting personality because you are very pro BJP. No, I'm not pro BJP. I like just Prime Minister. Pro BJP, BJP ने भी हमें कुछ नहीं दिया है, Prime Minister दिया, Prime Minister has developed very many things and अब देखो आपको गुजरात में मोदी पसंद है, मतलब आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी पसंद है, लेकिन गुजरात की बीजेपी लीडरशिप से आप उतने हैप्पी नहीं हो, एंड यू अग्री दैट प्राइम मिनिस्टर शुड नॉट बी कंट्रोलिंग एवरी स्टेट एज हिज ओन, यस, एंड ही शुड बी डूइंग थिंग्स इन द एज अ कंट्री लेवल, एक्चुअली दैट्स व्हाई वी हैव नॉट सीन एनी प्राइम मिनिस्टर हु constantly campaign in any kind of state government and MCD also. MCD में उनका चेहरा आ रहा है लेकिन वो वहाँ तो campaign नहीं करेंगे, most probably चले गए तो फिर उनको हार दिख रहे हैं, MCD probably बीजेपी will lose. आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पूरे scenario? भाई साहब ने तो बात की विजय रूपाणी और भूपेंद्र भाई पटेल के बारे में, तो भाई मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि विजय रूपाणी जो जैन कैटेगरी से बिलोंग करते थे, ठीक है, और 2016-17 में जो पाटीदार अनामत आंदोलन का जो दंगे फसाद हुए उसकी वजह से, मेरे को ऐसा लगता है कि उसकी वजह से 2022 विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री बदलना जरूरी था, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर था पाटीदार, गुजरात का सबसे बड़ा अभी तक का आनंदीबेन तो थे, पर आनंदीबेन के बाद विजय रूपाणी को लाए, क्यों? क्योंकि जैन कम्युनिटी को भी खुश रखना था, अभी वापिस चुनाव आ रहे हैं तो अभी उनको पाटीदार मुख्यमंत्री तो चाहिए रहेगा ना, और अमित शाह जी ने एक रैली में कहा था कि भावी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल का हार्दिक स्वागत कीजिए, तो भाई ये बात तो साफ है कि मुख्यमंत्री वापिस भूपेंद्र भाई पटेल ही है, तो ये पूरा भाई कास्ट फैक्टर काम करता है, और कास्टिज्म के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि वेलकम टू यार, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, नहीं ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, गुजरात में जैसे आप यूपी बिहार के बारे में जब सुनते हैं तो बड़ी कास्ट की बात होती है, गुजरात में कास्ट इलेक्शन में कितना मैटर करता है, आप सब बहुत मैटर करता है, ठीक है,
क्योंकि सारी पार्टी को अपनी सीट जीतने के लिए उनको उस जो भी इलाका होता है उसका उनको जो कास्ट का जो प्रभावी नेता होता है उनको वो बंदा चाहिए रहता है, तभी उनको मालूम है, तभी उनका वोट आएगा। वो कोई और बंदे को टिकट तो विकास के नाम पे वोट नहीं मिलता आप ये कह रहे हैं? नहीं, कुछ क्षेत्र में विकास के नाम पे वोट नहीं मिल रहे, ठीक है। जैसे आप एसटी जितने जैसे ये कहा जाता है गुजरात मॉडल है, बहुत विकास हो गया है, अब हमारे यहाँ तो कास्ट और इससे ऊपर चली गई। पर वो सिर्फ अर्बन डेवलपमेंट हुआ है, रूरल में कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। मैं पिछले काफी लंबे अरसे से मैं अहमदाबाद में रह रहा हूँ, पर मेरा गांव है वहाँ पे, अभी भी वहाँ पे कुछ हुआ नहीं है सच विकास के नाम पे। अभी भी वहाँ पे मिट्टी वाले रोड है, अभी भी वहाँ पे डामर, इवन तो डामर के भी रोड नहीं बने हुए। और काफी सार अहमदाबाद में आप देख लो, बाहर का आप रोड देख लो, ठीक है, आप कोई और क्षेत्र में चले जाओ, आरसीसी रोड बन गए। तो विकास के नाम पे थोड़े बहुत काम हुए, पर जो वो बोलते हैं कि विकास के नाम पे वोट मिल रहे, वैसा नहीं है। आपको इधर कास्ट के नाम पे वोट मिल रहे। गुजरात में जाति समीकरण तो असर करता ही है, और उसमें हमें ये बात को ध्यान में रखना होगा कि कौन सी जाति को कितना महत्व दिया जा रहा है। जो बड़ा तबका है, जो अपर कास्ट का भी बड़ा तबका है, उन्ही को शामिल किया जा रहा है, उन्ही को फैक्टर को असर किया जा रहा है। जो नीचे है, जो कास्ट सिस्टम में नीचे, उनकी कोई बात रखी जा रही। आदिवासी वोट है जो 14% है, तो उनको कंसिडर किया जा रहा है मेरे हिसाब से। और यहाँ पर कास्टिज्म की बात करें तो हर गांव में छुआछूत है, आपको पता ही है, न्यूज में आ ही रहा है। घोड़ी पे नहीं बैठने दे रहे, मूछे पे इश्यू है, हर बात पे इश्यू है। लेकिन जो पाटीदार और भी बहुत सारी कम्युनिटी है जो बड़ी बड़ी है, उन लोग का असर रहता है, उन लोग का इन्फ्लुएंस रहता है गुजरात इलेक्शन पे। उनकी जो छोटी छोटी जातियां हैं उनका कुछ इतना असर रहता नहीं, मुझे लगता है। बिल्कुल, जाति की बात करें तो जो ये लोग बात करें पाटीदार, तो जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में जो सबसे आगे है, जो पैसे से भी कैपेबल है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, उन लोगों को वो लोग सबसे आगे रखते हैं। और जो बात करें हम, तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम यहाँ पे अब हो रहा है, सब जगह पे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम भी हो रहा है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हो रहा है तो वहाँ भी इन लोगों को ही वो आगे बढ़ा रहे हैं। जो वर्कर्स है जो, तो वो कौन से तबके से आते हैं, वो निचले तबके से आते हैं, उन लोगों को वहाँ का वहाँ पे ही रखा जा रहा है। और जो आगे बढ़ रहे हैं वो उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों को आगे बढ़ रहे हैं। अर्बन में तो नहीं, पर हमारे मतलब गांव में तो ऐसा होता ही है कि अगर एक कोई कास्ट का बंदा खड़ा है तो उसको वोट देना बिफोर करेंगे। लेकिन आप भी ऐसा सोचते हैं, यंग पर्सन, आपको मायने रखता है कि आपकी कम्युनिटी से हो नहीं हो? नहीं, ऐसा नहीं, जो अच्छा काम करे उसे वोट देना चाहिए, एज ए यंग पर्सन प्रोड्यूस की क्षत्रिय हरिजन आदिवासी एंड मुस्लिम। और पिछले 2017 के चुनाव में भी उन लोगों ने एक थियरी लाई थी, नेम पोटा, POTA, पाटीदार ओबीसी, सॉरी पोड़ा, पाटीदार ओबीसी दलित एंड आदिवासी। और उन लोगों को कुछ हद तक कामयाबी भी मिली और वो 77 लेके भी आए। लेकिन ये कास्ट फैक्टर तो है, लेकिन इतना भी नहीं। हाँ, मैं प्राउड होता है कि कोई बंदा अपनी कास्ट का है, सो दैट इज गुड थिंग, बट ऐसा नहीं है कि हम उसको देख कर ही वोट देंगे, वो नहीं। आई थिंक वी कैन रैप अप एंड फाइनली हम आपसे एक एक क्विक आप एक आंसर दे सकते हैं कि आने वाली जो भी सरकार है, एक काम जो करे जो आपको इम्पैक्ट, एक काम जो आप चाहते हैं कि जो भी एमएलए आते ही पहली कैबिनेट में करना चाहिए, पहला ये काम होना चाहिए। किसान को आगे बढ़ाए, तो अपने जीडीपी ग्रोथ में देखते हैं तो 1971-71 में जो था कृषि का रेट ज्यादा था, अब उसको बढ़ते 20% हो गया, 20 या 14% हो गया। आपकी खेती भी है, आपके फैमिली की किस चीज की खेती है? हम चौमासु पाक में मूंगफली उगाते हैं, बाकी सियाड़ा में धनिया हो रही है। और आप भी इसी प्रोफेशन में एंटर करना चाहिए या आप खेती से अलग? ना, मैं कोई भी ये मेरा फिर जर्नलिज्म है, मैं पत्रकार हूँ, लेकिन आप चाहेंगे किसान का विकास और शायद आपकी स्टोरीज भी उसी पे फोकस होंगी। या,
जी मैं चाहूंगा कि नशाबंदी और ड्रग्स के ऊपर कार्यवाही की जाए। गुजरात पुलिस और गुजरात सरकार फिलहाल बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है और आई अप्रिशिएट। पर मेरा खुद का डिपार्टमेंट भी, मैं भी जर्नलिज्म डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को फ्यूचर में उनके साथ भी डील करना है। तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पर वो बात सही है, ठीक है, वो बहुत अच्छा आगे का रास्ता एकदम खुला रखना चाहिए। वो बहुत अच्छा काम कर रही है, वरना उनकी मेहनत के बगैर इतना 2200 करोड़ रुपए का ड्रग्स नहीं पकड़ा जाता। पर जो पकड़ा जाने के बाद का जो न्यूज है वो किसी के पास नहीं है, ठीक है। तो नशाबंदी और दारूबंदी के ऊपर और अच्छे तरीके से काम की जाए, बस मेरी यहाँ पे सबसे बड़ी जो कोई भी सरकार बने तो सबसे पहले तो जो सरकारी पेंडिंग जो भर्तियां हैं वो सारी की जाए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि जो पॉट पर इतना सारा ड्रग्स पकड़ा गया उनमें जो बड़ी मछलियों के नाम नहीं है उनको शामिल किया जाए और उनको कार्रवाई में लिया जाए और थोड़े विकास की मॉडल पे आया जाए, ना कि हम ये खेड़ा इंसिडेंट देखे और ये सब लघुमति पे सब रोक कर सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी पे बात करें। अगर कोई नई सरकार आती है तो एजुकेशन सिस्टम पे काम करे, थोड़ा सिलेबस और प्रैक्टिकल की ओर जाए, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन थोड़ा काम करना लगता उन्होंने कहा कि वो मुर्गी हुआ केड़ा हुआ, मतलब वो कुछ भी ऐसे सूरत में हुआ, बड़ी मछलियों को आप क्यों नहीं पकड़ रहे हो? इट्स ओके अगर आपको उनका आप पे इन्फ्लुएंस है, फिर भी उनको पकड़ो, उनको उनके वजह से, मतलब अब आज मोरबी का हुआ, वो जयसुख पटेल वो एक ओरेवा कंपनी, वो वॉच बनाने वाली कंपनी उसको ठेका देते हैं और वो उसका मालिक वो खुद रिबिन काट रहा है और आज वो फरार है, एफआईआर में उसका नाम तक नहीं है। दैट इज नॉट गुड थिंग फॉर अस। दैट वाज अ रियली फन डिस्कशन विद द स्टूडेंट्स ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी, वेरी डाइवर्स एंड फन ओपिनियंस। आई होप यू एंजॉयड दैट। ये मेरा छोटा सा मॉर्निंग शो था गुजरात यूनिवर्सिटी से। आगे हम गांधीनगर जाने वाले हैं, सूरत जाने वाले हैं, डेडियापाड़ा जाने वाले हैं। So please continue to watch our show. Support our election coverage on newslaundry.com/sena if you like it and donate an amount you like. Subscribe to us. That's it from us for the morning show. Dekhte rahiye another election show. Sab dekhiya. Ab ye dekhiye. Please put out an opinion poll.